हमने तो मानव इतिहास में पता नहीं कितने अलग अलग स्पेस ऑब्जेक्ट के बारे में डेटा कलेक्ट किए हैं। जैसे सबसे कॉमन है मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न और अन्य ग्रह। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हम लोगों ने अभी भी हमारे एकमात्र स्टार सन के बारे में ही ज़्यादा कुछ नहीं पता लगा पाए हैं। सूरज हमारे लिए आज भी एक मिस्ट्री से कम नहीं। गर्मियों के मौसम में हम सूरज को कितना भी भला बुरा कह दे, लेकिन इंसानी इतिहास के डेवलपमेंट में सूरज का कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। सूरज की एनर्जी के बिना प्लांट्स खाना नहीं उगा पाती, एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सोलर एनर्जी के बिना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती, जिससे ऑक्सीजन भी नहीं पैदा होता। दोस्तों, हमारे चैनल में ऐसा ही एक वीडियो हम बनाए हैं, जहां पर हम लोगों को बता रहे हैं कि अगर सूरज गायब हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो गो एंड चेक आउट दिस वीडियो। लेकिन दोस्तों, सूरज के बारे में विस्तार में जानने का घड़ी आ चुका है, क्योंकि नासा ने 12 अगस्त 2018 में एक ऐसा स्पेस मिशन लॉन्च करते हैं जो आज तक का सूरज के सबसे पास जाने वाला स्पेस क्राफ्ट होगा। तो सूरज के कोर से सिर्फ 6.9 मिलियन किलोमीटर दूर सूरज को चक्कर लगाएगा एंड इससे जुड़े क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने लगेगा। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि इंसान का बनाया हुआ एक ऑब्जेक्ट कैसे बिना जले सूरज के इतना पास जाएगा और अपने काम को कैसे अंजाम दे पाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पार्कर सोलर प्रोब की हिस्ट्री, इसका मैकेनिज्म एंड सबसे बड़े पॉइंट क्यों इसको सूरज के इतने पास भेजा जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो आप लोगों का फिर से स्वागत है साइंस एंड फैक्ट्स में। सोलर पार्कर प्रोब का नाम रखा गया है महान खगोलविद डॉक्टर यूजीन न्यूमैन पार्कर के नाम पर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो के प्रोफेसर थे एंड उन्होंने अपने जीवन काल में सोलर फिजिक्स से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग एंड यूनिक बातों को हमारे सामने सबसे फर्स्ट टाइम के लिए पेश किए थे, जैसे सोलर विंड्स, सोलर मैग्नेटिक फील्ड्स एंड मेनी मोर। 2018 29 अक्टूबर में पार्कर सोलर प्रोब इंसानों का बनाया गया पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बन जाता है जिसने सूरज के इतने पास जाने का रिकॉर्ड कायम किया हो। इससे पहले ये रिकॉर्ड था 1976 अप्रैल में लॉन्च किया गया हेलियोस 2 के द्वारा, जिसको वेस्ट जर्मनी के स्पेस एजेंसी DLS एंड नासा के कोलैबोरेशन में लॉन्च किया जाता है। बट दोस्तों, ये स्पेसक्राफ्ट सूरज के सरफेस से 42.73 मिलियन दूर से इसके निगरानी एंड एग्जामिन कर रहा था एंड वहीं पर पार्कर सोलर प्रोब उसके 5 गुना ज़्यादा सूरज के पास मौजूद होकर इसका नज़रदारी एंड रिसर्च करेगा। और साइंटिस्ट पूर्ण रूप से ये मानते हैं कि अगर पार्कर सोलर प्रोब सक्सेसफुली सूरज के एटमॉस्फेयर मतलब कोरोना में एंटर करती है, सूरज से जुड़ी कई अनकैलकुलेटेड मेजरमेंट्स को हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे एंड उसको किसी काम पे लगा पाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं पार्कर सोलर प्रोब के हिस्ट्री से जुड़ी कुछ बातें। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि इस स्पेसक्राफ्ट को 12 अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया था, लेकिन दोस्तों, सूरज के नज़दीक जाके उसके ऊपर स्टडी करने का सबसे पहला कंसेप्ट हम लोगों को मिलता है आज से करीब 60 साल आगे, मतलब 1958 में। लेकिन दोस्तों, 1958 में सैंक्शन किया गया मिशन को 2018 मतलब 60 साल बाद क्यों लॉन्च किया जा रहा है? इस तरीके के मिशन से जुड़ा एक बड़ा प्रॉब्लम होता है लैक ऑफ बजट। ऐसा ही हुआ था हमारे पार्कर सोलर प्रोब मिशन के साथ एंड तब इस मिशन को डिसमिस कर दिया जाता है। उसके बाद 1970s में सूरज के सरफेस एंड मेनली सूरज के एटमॉस्फेयर के स्टडी के इम्पोर्टेंस की वजह से 1990 में इस मिशन को OSPS मतलब आउटर प्लैनेट एंड सोलर प्रोब प्रोग्रामिंग के तहत लॉन्च करने के बारे में सैंक्शन किया जाता है। लेकिन अगेन 2003 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के टाइम में बजट के प्रॉब्लम देखा के इस मिशन को रद्द कर दिया जाता है एंड फिर से नासा ने 2010 में पार्कर सोलर प्रोब को लिमिटेड बजट के अंदर बनाने का प्लान बनाता है एंड आखिरकार जाके 2017 में इस स्पेसक्राफ्ट का डिज़ाइन बनके तैयार हो जाता है एंड 12 अगस्त 2018 में इसको लॉन्च कर दिया जाता है। अब हम आ चुके हैं हमारे आज के वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में, जहाँ पर हम बताने वाले हैं कि इस स्पेसक्राफ्ट को क्यों सूरज के इतने पास भेजा जा रहा है, मतलब इसका मकसद क्या है। आज तक हमने सोलर सिस्टम में मौजूद हर एक प्लैनेट जैसे मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न एंड ऑल्सो ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो को भी बड़े ही सामने से ऑब्जर्व कर पाए हैं, लेकिन आज तक हम लोगों ने इंसान प्रजाति का सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेस ऑब्जेक्ट को ही सामने से नहीं देख पाए हैं। बट
पार्कर सोलर प्रोब हमें सूरज के इनफ नज़दीक जाके सूरज के मिस्टीरियस राज को हमारे लिए खोल देगा। उसमें से सबसे बड़ा राज है सूरज के एटमॉस्फेयर का ऑब्जर्वेशन करना। क्या आप लोगों को पता है कि सूरज का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सूरज के सरफेस के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है? ये अंतर छोटा मोटा अंतर नहीं है दोस्तों। जहाँ पर सूरज के सरफेस का टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेल्सियस, वहीं पर सूरज के एटमॉस्फेयर मतलब कोरोना का टेम्परेचर है करीब 11 लाख डिग्री सेल्सियस। क्यों, ये थोड़ा सा वियर्ड है ना? अब आप एक एग्जांपल ही देख लो। अगर आप एक लोहे के बॉल को गर्म करते हो तो उससे तो थोड़ा सा हीट ज़रूर निकलेगा, लेकिन आप अगर लोहे के बॉल को पकड़ने जाओ तो आपके हाथ में ज़्यादा गर्मी लगेगा। नॉर्मल सी बात है कि लोहे का पिंड को आप गर्म किए हो तो लोहे के पिंड का ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा उससे निकले हीट से, लेकिन सूरज के साथ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देखा जाता है कि सूरज का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सूरज के सरफेस से कई लाखों गुना ज़्यादा है। इसके बाद सूरज से निकला स्टॉर्म, जिसको हम स्पेशली सोलर विंड कहते हैं, उसको ऑब्जर्व कर। दोस्तों, सूरज में बहुत सारे चार्ज्ड पार्टिकल मौजूद होते हैं, जिससे एक तेज एंड ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड का जन्म होता है। और यही तेज एंड ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड जब सूरज के ग्रेविटी से निकल जाता है तो वो पूरे सोलर सिस्टम में एक विंड की तरह बहने लगता है, एंड इसी को सोलर विंड कहा जाता है। दोस्तों, ये सोलर विंड बहुत ही खतरनाक है। इसके वजह से मेनली दूसरे प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स पूरी तरीके से बिखर जाता है, एंड माना जाता है कि मार्स के वीक ग्रेविटेशनल फोर्स का रीज़न भी यही सोलर विंड्स ही है। अब हम लोगों को पार्कर सोलर प्रोब के तहत अगर इसके डेटा है, ये क्यों बनता है, इसके बारे में पता चलता है, तो शायद हम लोग अर्थ को इसके सोलर विंड से बचा पाए। और इसके अलावा सूरज का मैग्नेटिक फील्ड प्लाज्मा, मतलब जो पूरा एनर्जी सूरज से निकलता है, एंड एनर्जेटिक पार्टिकल्स जिसे स्पेशली सोलर विंड्स बनते हैं, इतने सारे चीज़ों की ऑब्जर्वेशन के लिए पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया जा रहा है, जो 14 दिसंबर 2021 में सूरज के एटमॉस्फेयर कोरोना में प्रवेश करता है। अब दोस्तों, एक स्पेस क्राफ्ट को सूरज में भेजना कहने में जितना आसान लगता है, असलियत में ये एक चुनौती से भरा टास्क है, क्योंकि सूरज का बाहरी एटमॉस्फेयर, जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं, उसका टेम्परेचर 11 लाख डिग्री सेल्सियस है। इतना ज़्यादा तापमान में अर्थ का कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ ही मिली सेकेंड में पिघल जाएगा। तो क्वेश्चन है कि कैसे पार्कर सोलर प्रोब सूरज को टच करेगा, मतलब सूरज के एटमॉस्फेयर पर इंटर करेगा। साइंटिस्ट ने इसका एक बहुत ही अच्छा सोच विचार किया है। वो प्रोब के सामने एक ऐसा शील्ड यूज़ करते हैं जो सूरज के गर्मी के ज़्यादातर हिस्से को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये शील्ड कार्बन कार्बन नाम के एक मटेरियल से बना है, जो डिटेक्टर्स को हीट होने से बचाएगा एंड प्रोब काम को अंजाम दे पाएगा। अब दोस्तों, और एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि इसके डायरेक्शन को कैसे ठीक रखा जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि सूरज से लाइट को भी हमारे यहाँ पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। अब इस स्थिति में अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो स्पेस क्राफ्ट कुछ ही सेकंड में जल के राख हो जाएगा। इस प्रॉब्लम से भी बचने के लिए साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ने प्रोब में 4 आर्टिफिशियल लाइट सेंसर्स लगा देते हैं, जो इसके डायरेक्शन को सही करने में हेल्प करेगा। और ऐसे भी इसमें सोलर पैनल का यूज़ किया जाता है, जो चार्ज होकर प्रोब को ईंधन देगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है किसी भी स्पेस मिशन के लिए। तो हम आ गए हैं आज के वीडियो के आखिरी पड़ाव में। दोस्तों, बजट की कमी की वजह से पार्कर सोलर प्रोब मिशन को 1958 से डिले करते करते आखिरकार 2018 में लॉन्च किया जाता है, जो कम खर्चे में हुई। इसमें टोटल $1.5 बिलियन, मतलब 9 से 11 हज़ार करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ है। अब आपके नज़रे में ये कम है कि ज़्यादा है, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। पार्कर सोलर प्रोब को टोटल 7 सालों के लिए सैंक्शन किया गया है, और इन 7 सालों में ये सूरज को 24 बार चक्कर लगाएगा, एंड हर एक बार ऑर्बिट करने के बाद ये सूरज के और पास चला जाएगा, एंड आखिरी ऑर्बिट में ये सूरज से सिर्फ 6.6 किलोमीटर दूर ही मौजूद होगा। तो ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने से हमें क्या क्या फ़ायदा होगा? स्पेशली सूरज हमारे पास मौजूद सबसे नियर बाय स्टार है, एंड हम लोग अगर सूरज के अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो यूनिवर्स में मौजूद और अलग अलग स्टार्स के फॉर्मेशन एंड कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग जान सकते हैं। सूरज हमारे हीट एंड लाइट का एकमात्र सोर्स है। अगर हम इसकी अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो अर्थ के लाइफ डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। अगर हम लोग ने स्पेस के वेदर की स्टडी की, जो स्पेशली सोलर डस्ट से भरी हुई है, तो हम लोग सैटेलाइट्स के ऑर्बिट को चेंज कर सकते हैं,
एंड उनके ट्रेजेक्टरी को अनुमान करके कम टाइम में हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। और इन सारी बातों से आप लोग समझ गए होंगे कि पार्कर सोलर प्रोब का सक्सेसफुल होना इंसानों के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और हम दिल से चाहते हैं कि पार्कर सोलर प्रोब सक्सेसफुली अपने मिशन को अचीव कर पाए एंड हम लोगों को सूरज के बारे में यूनिक डेटा भेजता है। और दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे हमें ऐसे ही अमेजिंग वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। एंड आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ साइंस एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।